हेलो फ्रेंड्स, शिवजोत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजमा की सब्जी। इसके लिए मैंने एक कटोरी राजमा लिया है और इसे मैंने सुबह भिगो करके रख दिया है। अगर आप रात में सब्जी बना रहे हैं तो इन्हें सुबह भिगो कर रख दें, और अगर सुबह सब्जी बनाएंगे तो रात को ही भिगो कर रख दें। फिर मैंने इन्हें कुकर में डाल दिया और इसके अंदर एक गिलास पानी भी डाल दिया है, और इसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे और इसमें चार सीटी लगा लेंगे। चार सीटी लगवाने के बाद में ये अच्छे से उबल जाते हैं। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम एक मुट्ठी राजमा लेंगे और इनका चूरा बना लेंगे। ये मैंने एक हरी मिर्च, एक प्याज और कुछ लहसुन की कलियाँ ली और इनका पेस्ट बना लिया। ये दो टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे और इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। इसमें एक तेज़पत्ता, दो लौंग, दो काली मिर्च, एक चुटकी हींग और आधा चम्मच राई डालेंगे। और इनके भुन जाने के बाद इसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट डालेंगे और इन्हें मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे पका लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें 3 से 4 मिनट पका लेंगे और मसाला पकने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे मिला लेंगे। इसे 2 मिनट पका करके इसमें राजमा डालेंगे, और जो राजमा हमने उबाले थे उसी का पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसी में मिला लेंगे। अब इसमें हम राजमा मसाला डालेंगे और मसाला मिलाकर इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम पका लेंगे, और गैस की आंच हम फुल रखेंगे। ये देखिए, राजमा की सब्जी बन करके तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसमें आधा नींबू निचोड़ लेंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।